भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 67 साल की उम्र में एम्स में निधन हो गया। मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने के बाद बेहद नाजुक हालत में उन्हें रात करीब 9 बजे एम्स लाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। खैर, लगातार ही नेता जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं सुषमा स्वराज को, और इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट शेयर कर दुख व्यक्त किया। बता दें आपको, सिंधिया ने कहा, पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के आकस्मिक निधन की खबर ने मुझे स्तब्ध कर दिया है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके परिजनों को इस भारी दुख को सहन करने की शक्ति दे। SBI 9 न्यूज से अजय की रिपोर्ट।